कोनिया एंट्री के लिए वो ले रही हैं, और वो बाकी सब वहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्न थी, मेरी हो गई है, और अब मेरे को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। कटरा का एंट्रेंस मतलब वैष्णो देवी का, और वहाँ पे लाइन देखो कितनी लंबी है, और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये है मेरे बन्ना। बन्ना? हाँ जी। हाँ जी। यार ये सचिन भैया, भैया आओ। और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, कितने बजे? 10 रात के 10 बजे हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और हमें ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है ना बन्नी? आओ बोलो कुछ। आओ। तो अभी हमने बस कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। तो आगे जो भी अच्छे अच्छे व्यू आएंगे वो हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पे चेकिंग हो रही है, और वहाँ पे हमारी पार्टी आ रही है पूरी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। 1, 2, 3, 4 ये हमारी टीम है, बड़े आराम से चेकिंग करवा रहे हैं ये सब। मेरे बन्ना चिन भैया की चेकिंग अब, और ये नाइट व्यू दिख रहा है यहाँ से, जो ऑपोजिट जगह है ना वैष्णो देवी की, वो वाली। और ये हम कहाँ पहुँचे हैं? अर्धकुंवारी। और ये यहाँ का वेटिंग हॉल है, और वो है डिस्पेंसरी जो यहाँ पे बहुत सारी होती हैं। और ये हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी। कहाँ पहुँच गए? अर्धकुंवारी। ठीक है। और ये मुझे कब से बोले जा रहे हैं खाना खिलाऊंगा, तब से नहीं खिला रहे हैं। पेट देखा अपना कहाँ जा रहा है? अपना देखा। और ये है सारा अर्धकुंवारी का व्यू। और ये मेरे ग्रुप के साथी अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या खाएंगे। आधे रास्ते पहुंच गए, मुझे कुछ नहीं खिला रहे। तंदूरी। आखिर बन्नी इनको कन्वेंस कर लिया इन्होंने, और हम उधर ही जाएंगे जिधर मैंने बताया था। ये लोग अर्धकुंवारी में रेस्ट कर रही हैं, और ये है अर्धकुंवारी का मंदिर। यहाँ पे ना गुफा है छोटी सी, पता नहीं हमें लेके जाना है इन्होंने या नहीं। नहीं जाएंगे हम, और हम क्रॉस कर रहे हैं, मुझे अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं जो अभी, अभी हम गुफा में जाएंगे। देखो, कब? हाँ। अभी देखो जस्ट, हाँ। अभी जस्ट 2 मिनट में। हाँ 2 मिनट में नहीं, ये मैंने मतलब नहीं लेके जा रहे मुझे। I've done some dumb things. Now I'll do dumb things again. अभी हम गुफा में जाएंगे, ये देखो। अभी हम गुफा में, वो देखो। हाँ ये अर्धकुंवारी की गुफा है। ये थोड़े ना झूठे गुमराह मत करो सब्सक्राइबर्स को। बंदा सुता पै मुंडी की साइड रखी थी, पागल नहीं हो? मंकी से वो कभी भी कहीं पे भी अटैक कर लेते हैं किसी भी चीज से, आप पे भी, आपके फोन पे या कोई भी चीज हो। ज्यादातर खाने वाली चीजें हाथ में नहीं रखनी है। भाई
ये देखो नाइट व्यू, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। हमारी टीम बहुत दूर चल गई है, बन पिच ला गई है, जिनसे हमने सतर्क रहने के लिए कहा था। चलो अभी आपको बताते हैं कि आलसी लड़की कहाँ पे बैठी है। ओहो वर्षा क्या हुआ? चाय या कॉफी पिलाओ। हम पहुंचने वाले हैं भवन में, यहाँ से कितने 15 मिनट लगने नहीं? 15 मिनट लगने हैं, लेकिन हम काफी स्पीड से आए हैं। हम कोई 9:30 चले थे तो अभी एक भी नहीं बचा है, मतलब ज्यादा स्पीड भी नहीं, ठीक ठाक अच्छे से, और अभी हम इतने ज्यादा थके भी नहीं है। मुझे गर्मी भी लग रही है और मुझे ठंड भी लग रही है। 15 मिनट वीडियो आएगी हमारे चैनल से भवन की, आप कृपया हमारे साथ बने रहें, आपको भवन का लाइव फुटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पर अभी तक आया नहीं इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। बने हुए हैं तो प्लीज भवन के अच्छे से सिर्फ दर्शन करिए। ये देखिए हमारा भवन, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से वैष्णो देवी की जय। और यहाँ से अभी हम पास वो सामने वाला मोड़ियो हमें दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ। यहाँ पे जाएंगे ठीक है, हमें और अच्छे से मिलेगा। हाँ। तो चलें। तो इसी के साथ ये देखिए आलसी लोग 1 किलोमीटर पहले ही बैठ गए हैं। चलिए आप चलिए उठिए, नहीं अभी चलना पड़ेगा, भवन आ गया पास में। वो देखिए दूर से दिख रहा है। कोई टोटल कितनी रेस्ट करने दी है ना हमें, मतलब एक कुछ सेकंड्स की, 5 सेकंड के अंदर है सारी रेस्ट हमारी। माता से जल्दी मिलना है ना। ये भैया देखो, भैया इधर बैठ गए हैं। ये देखिए सचिन भैया, चलो सचिन भैया दोबारा बैठ गए हैं यार, करे क्या। सचिन भैया चलो अभी हम 5 मिनट में भवन में पहुंचने वाले हैं। हाँ। थकान पूरी मिट गई है। हाँ। भवन को दूर से ही देख के। हाँ। अभी हम जाएंगे, फ्रेश होएंगे, फिर हम जाएंगे दर्शन करने। कोशिश हमारी रही को बताएंगे कि हम पैदल तो आए लेकिन हमारे पास एक पर्सनल गाड़ी थी। कौन सी? हमारा ऑटो। चलो बनी बताओ, हमारा ऑटो था। छोटे बच्चे बस मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं वीडियो हटाऊं। ओवर एक्साइटमेंट राइट? या जय हो जाए। आखिरकार हम पहुंच गए। हमारी टीम के 2 बंदे नहीं मिल रहे हैं जो पूरे रास्ते जिनको हम ढूंढते ही आए थे, पर वो हर बार हमें चकमा दे के आगे भाग जाते थे। अब उनको हमें ढूंढना पड़ना, कहाँ है 2 बंदे, कहाँ हैं जो गायब हैं। और यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट से टिकट ली थी ना अंदर एंट्री के लिए, वो यहाँ पे चेक हो रही है। यहाँ से चेक होके फिर हम जाएंगे अंदर। लेडीज वाला जो सेक्शन था, मतलब जहाँ से लेडीज आ रही थी वो तो खाली था, बट जो जेंट्स वाला है वहाँ पे लाइन फुल है। तो अब मैं यहाँ पे मजे से करूँगी रेस्ट और उनका वेट करूँगी, जब वो आ जाएंगे फिर हम आगे जाएंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
और ये बन्नी जी आगे, और ये हम सारे हमारी पूरी टीम। ये देखो बॉयज लोग कभी भी शांति से नहीं चल सकते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे को बोलते ही रहते हैं। ऐसे बोलो ना, गर्ल्स लोग भी नहीं चल सकते हैं, पर दूसरी गर्ल कोई नहीं है। ये तो फायदा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिरकार फतेह हासिल हो गई भाई। हाँ जी बिल्कुल। सदा नमो स्तुते। लॉकर रूम नंबर 2 और 3 यहाँ पे है। हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम कहाँ रुकेंगे? आगे जाके हम भवन के पास, भवन के पास रुकेंगे, हम यहाँ पे नहीं रुक रहे। सारे अपने अपने घरों में बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं, जोर से बोलो जय माता की। बहुत ज्यादा भवन के पास पहुंच के और भी ज्यादा। हाँ। वो है बैरोगाटी। ओ ये क्या हुआ, फिर यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे फोन लॉक हो जाने अंदर, तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। अब मेरे से ना कुछ भी बोलने जा रहा है, बन्नी बोल रही है बोलो। अभी हमारी भवन के दर्शन पूरे हुए, अभी हम जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ। भैरव घाटी का ये मानना है, घाटी नहीं बाबा, भैरव बाबे का ये मानना है कि अगर आप भैरव बाबा के दर्शन ना करेंगे तो आपके दर्शन माता वैष्णो यात्रा सफल नहीं होगी, आपके माता वैष्णो के दर्शन भी सफल नहीं हो पाएंगे। आगे बच्चे जी कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू नहीं हो सकता। बाकी चलते हैं फिर करते हैं फोन। फोन करते हैं फिर आपको। बोरा पैरो शम जी छत ना ना जी। ये पहुंच गए हम भैरव घाटी, और भैरव घाटी से भवन का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर, और लाइट्स इतनी प्यारी हैं, सुंदर है। और यहाँ से आप देख सकते हो, कितना करीब से भी देख सकते हो, कितना ऐसे क्लियर सा व्यू है, जगमग जगमग है, बहुत ही अच्छा। और आज भीड़ बहुत ही कम थी, तो देखिए। और ये है जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, वो नीचे पाथ पूरा का पूरा भवन के लिए। और ये है हमारे भैरव बाबा का मंदिर। गुड। हाँ जो आप देखेंगे, जो बाघ के आए नीचे से, पूरा देखें इनको। पूरा देखें इनको। इनको पूरा देखें, ये अभी उठ गए हैं शर्म के मारे। नहीं इनको देखें। हाँ नो no? ये सुबह से मुंह छुपा रहे नहीं बनाए। आओ पचाई में सुना उड़ा। ये देखो यो तीन है भैरव बाबा के मंदिर का रास्ता सीढ़ियों से। और ये देखो 6 बज गए हैं, मेरी आवाज़ से पता चल रहा है मैं कितनी थक गई हूँ।
सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के और उतर उतर थोड़ा सा बचा नीचे, हमने आधे घंटे में पहुंच जाना है अब, चाहे कुछ हो जाए। आहो, क्या आहो बोलो, आहो बोलो एक बार। आहो आहो तुम बोलते रहो ना, क्यों हम आधे घंटे में नीचे पहुंच जाना है। हाँ नहीं, हमारी टीम पीछे रह गई है, वो एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते आ रही हैं और हर बात पे फिर क्या बोलते हैं, रिंकू भैया से दिखला, रिंकू भैया से दिखला, रिंकू भैया टोटली इग्नोर मारते हैं, वो पीछे तक नहीं मुड़ रहे। ये दिख रही है अर्धकुंवारी, वहां तक पहुंचना है। अच्छा अभी हम अध्य में ही पहुंचे, चलो 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 जी। और वो जो नीचे रूट दिख रहा है वो है नया वाला रूट, जहाँ से मुझे नहीं आने दिया, मैंने बड़ा बड़ा बोला। अब देखो अब देखो अब देखो कैसे चल रही है, चलते हैं। पता नहीं है कितना नीचे जाना अभी तक। कहाँ है, तो अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, हमारा फोन ले लिया तो वीडियो कैसे बनाएंगे। सही बात है, पहुंच गए हम नीचे, मैं बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, बस 5 मिनट लगने हैं। भाई लोगों अब हम आ गए हैं नीचे कटरा मेन मार्केट में, यात्रा पूरी संपन्न हुई है, थोड़ी सी थकावट है, बाकी हम अभी देख ही लेंगे, यात्रा तो हो ही गई है, ग्रहण करें सोने की खोज में हूँ। और इसकी हालत देख लो, ये आई कैसी थी और जा कैसे रही है। हमारे साथ एक और शख्स है, ये थोड़ा छिपने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हम दूर से ही दिखाएंगे, ये आ रहे हैं। हाँ भाई लोगों हमारी यात्रा होगी पूरी संपूर्ण, अब थोड़ी सी आ रही है बेहोशी, अब बस कुछ क्षणों में हम अपने गाड़ी में वापस बैठने वाले हैं, ठीक है। कभी भी आइएगा ना तो कृपया रात को यात्रा करिए, एक चलने में आसानी होगी, दूसरी ऐसे मतलब कि रौनक बनी रहती है, दिन को तो एक धूप होती है, अकेले ही चलते रहो। हाँ, और यहाँ पे एक नया रूट बना है, कृपया अगर आपने नज़ारे लेने हैं उस रूट के तो उसमें रात में चलिए, बाकी आप अपने RV को अच्छे से देख लीजिए क्या हालत है इसकी, अभी अच्छी अच्छी है, चलने के लायक भी नहीं है बेचारी। मैं कैसे चल रही हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी इस यात्रा का अच्छे वाला गुड बाय, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। ओके राम राम आदाब भाई लोगों, बाय बाय।